सकता लेट बेट, पर पार्टी ऐसा नहीं, पार्टी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विचार करेगी। मेरे जैसे मतलब जागरूक कार्यकर्ता जिसने मतलब 18 साल के बाद भी, मैं समझता हूँ कि कोई भी पत्रकार बंधु कोई जनता ये नहीं कह सकती प्रभुदयाल कटेरिया ने क्षेत्र छोड़ा हूँ। मैं प्रकार मेरी सक्रियता उतनी है जितनी पहले वर्तमान में थी, वो भी आज है, और पार्टी आज नहीं तो कल करने की परसों विचार करेगी जरूर, मुझे विश्वास है। 2019 की प्लानिंग क्या है आपकी? मेरी प्लानिंग तो सिर्फ ये है कि मैं जनता का एक अच्छा, जैसे कहते हैं जो जनप्रतिनिधि रहा हूँ उस तरीके मैंने काम किया है, और समथिंग मुझे अपनी पार्टी में पूरा भरोसा है। कहीं ना कहीं मैंने चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी की है, पार्टी जहाँ चाहे उत्तर प्रदेश में जहाँ चाहे तहाँ ला दे हमें। अच्छा, आगरा आपको आगरा में मेरी पूरी व्यवस्था आगरा में है तैयारी करने की, चुनाव की, ठीक है, चुनाव की तैयारी है। अब आगरा में पार्टी ने शायद आगरा में कहीं और कुछ विचार करे, कहीं अति से विचार कर सकती है, पार्टी सुप्रीम पावर है। तो आगरा में तैयारी क्यों कर रहे हैं आप? आपका क्षेत्र है फिरोजाबाद, फिरोजाबाद मेरा क्षेत्र है, वो जनरल हो गए, सुरक्षित सीट ये है। हम तो तहां तक कह सकते हैं कि पार्टी सुप्रीम पावर है, पार्टी जहाँ से चाहे तहाँ से लड़ा दे। मैंने आगरा से तैयारी नहीं, ये तो आप सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं कटेरिया जी को। नहीं नहीं, मैं किसी को चुनौती नहीं दे रहा, मैं किसी को चुनौती नहीं, मैं तो पार्टी से आग्रह किया, आपने मुझसे क्यों पूछा तो मैंने जवाब दिया है, पार्टी चाहे जहाँ से लड़ा दे। सुनील शास्त्री आगरा में आए थे, अपने वो कह गए थे, उस पर कुछ हो रहा है आगे काम? माननीय सुनील शास्त्री जी ने जो कहा था वो गलत फहमी लोगों ने पैदा कर दी कि कटेरिया जी की टिकट फाइनल करे। उन्होंने बेचारे ने जो कहा था कि जो मैंने अपनी आंखों से देखा, अगर पार्टी ने मुझे पूछा तो निश्चित रूप से प्रभुदयाल कटेरिया का ही नाम मेरी तरफ से आगरा से होगा, ये उन्होंने कहा था, और पूरी मदद करूंगा कटेरिया जी की। ये कहा था, पर ये नहीं कहा था हमारी तरफ से टिकट फाइनल है, और एक अच्छा जनप्रतिनिधि हमारा नेतृत्व यही कहता भाई टिकट भाजपा में तो कोई कह नहीं सकता कि मैं मेरी तरफ से फाइनल है। भाजपा एक संगठन ऐसा है कि वो तो समूह रूप से निर्णय लेते हैं, टिकट तो ऊपर से मिलती है ना। जी हाँ, ऊपर आपकी सेटिंग है। मैं ऊपर की नीचे की बात नहीं करी, नीचे ऊपर मेरे लिए बराबर है, जहाँ पार्टी चाहे। मैं जनता का प्रतिनिधि रहा हूँ, मुझे यह भी नहीं कि मुझे फलानी जगह से, पर मैंने आगरा से मन बनाया, सुरक्षित सीट है, मेरा अधिकार है। टिकट आगरा से मांगी है? टिकट मैंने आगरा से मांगी है, और लोकतंत्र में सबको अधिकार है, सबको टिकट मांगने, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। नहीं मिले टिकट तो फिर क्या कहता हूँ?